अच्छा छोड़ ले, ये तो गिरने वाला साउंड आता है ना, दिल टूटे होता। वो आराम से खिसक गई। 5% ब्रेक धीरे से प्रेस करना है। जो नए ऑडियंस जुड़ी है उसको बता दूं, मेरा नाम है जोजो राजपूत और आप लोग देख रहे हैं जोजो मोटर ब्लॉग। और अपनी 100K की फैमिली बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है, बस इतना सा बचा है, कुछ 800 के आसपास बचे सब्सक्राइबर। तो जो नई ऑडियंस है वो सब्सक्राइब कर दे अपने चैनल को। 95% जो सब्सक्राइबर है उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बस आके देख के चले आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करे जैसे कि वीडियो आपको पसंद आती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो पे हाउ टू डू स्टॉपी, मतलब थोड़ी बहुत स्टॉपी, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ी बहुत स्टॉपी कैसे आप उठा सकते हैं, तो यही बताने वाला हूं मैं। और पीछे देखिए ये कुछ बिगनर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या ही करना होता है। और अपने साथ दो बिगनर्स भी हैं जिन्होंने कभी ट्राई नहीं की, तो बताने में तो आसान है लेकिन जब करते हैं बिगनर्स तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज बिगनर्स को लेकर आया हूं, उन्हीं से पूछेंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है और कितना क्या हो रहा है। तो पीछे देखो वो कर ही रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे खड़ी है 250 ड्यूक, ये है 250 ड्यूक थी और वहाँ पे खड़ी ड्यूक 390। तो चलिए इन्हीं में ट्राई करता हूँ, इन्हीं में बताता है, तो इसी में ट्राई करता हूँ। तो ये है राहुल की, मैं आ गया हूँ बाइक पे और हवा हवा मैंने कम नहीं की, जितनी मतलब नॉर्मल भरी होती हवा उतनी ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल जैसे बैठ गए, और पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि जो मतलब कम सीसी की गाड़ी हो उसमें ट्राई करो। भाई साहब आप व्हीली कम सीसी में ट्राई कर सकते हैं लेकिन स्टॉपी आपको थोड़ी अच्छी गाड़ी में ट्राई करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रेकिंग की जो बाइट होती है वो बहुत जरूरी होती है। अगर नॉर्मल आप ड्रम ब्रेक से यूज करेंगे, जो एक्सपर्ट है वो तो भाई किसी भी साइकिल लाइकिल मतलब कुछ भी मिल जाए उसको तो वो मार लेते हैं, लेकिन जो बिगनर है उनके लिए अच्छी मतलब जो बाइट होगा ना, जो एकदम ग्रैप कर ले जमीन को, तो ऐसी हमें बाइक चाहिए होगी जिसका ब्रेकिंग पावर बहुत ही हार्ड हो। तो इसका ब्रेकिंग बहुत ही तगड़ा है खतरनाक तरीके से, और ABS तो आपको ऑफ ही करना पड़ेगा, ABS में नहीं उठता है। तो डिस्क ब्रेक हो, पावरफुल हो तो इसका बहुत अच्छा है। मैंने 2014-15 में स्टार्टिंग की पल्सर 150 से, कि ऐसी आपको डामर वाली रोड चाहिए होगी, सेफ्टी के लिए आप हेलमेट लगा सकते हैं, ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब अपन थोड़ी बहुत कर लेते हैं मतलब ट्राई लेते हैं कि क्या ही करना होता है। तो आप जैसे गाड़ी में बैठ गए तो आपको पैर चिपकाने हैं, नॉर्मल चलने देना है, आपको नॉर्मल चलने देना है, बंद करना है और हल्के से पहले उठाना है, बिल्कुल हल्के से, हाथ जो है बिल्कुल टाइट रखना है, बिल्कुल हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए, हाथ को पूरा यहाँ से शोल्डर से पूरा सीधे रखने हैं, पैर चिपका के रखने हैं। जब बंद करने के बाद जब ब्रेक लेंगे दो उंगली से, तो हल्का पहले एकदम से नहीं, पहले हल्का दबाना है, फिर एकदम से लेके और ये अपना बैक पोर्शन इसको अप करना है हल्का। तो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है, तो आप क्या करना होता है, हाथ को सीधे रख के पैरों को चिपका के इसको उठाना है और ब्रेक ब्रेक करना है ऐसे। इसमें आपको गिरने का चांस कम रहता है, बिकॉज पैर आपके ऐसे रहते हैं, आप ठेंग भी सकते हैं पैर से, लेकिन व्हीली में क्या है, उठ गई तो पलटने का डर है, डिसबैलेंस होने का डर है। लेकिन इसमें क्या है, आप 20 में चले बंद करें, जब 15-10 में आ जाए तब ब्रेक लें और धीरे धीरे कोशिश करें उठाने की। जैसे ये चल रही है, ये चली 20 में, मैंने बंद किया और ये लिया और ये उठा दी। तो जैसे आपने देखा मैंने ब्रेकिंग ली है, थाइयों को टंकी पे चिपकाया है और हाथ को टाइट रखा है, एंड क्या किया है, 5% ब्रेक धीरे से प्रेस करना है, उसके बाद हाथों को टाइट करके ये बैक और ये थाई को चिपका के हिप को ऐसे करना है, ये वाला कर इतना करना है, और जैसे उठे वैसे रिलीज कर देना ब्रेक, तो पलटने का डर भी नहीं रहेगा, उठेगी और रख जाएगी। जैसे कि आपने देखा गाड़ी उठ के तिरछा हो रही है, तो जिस साइड पे तिरछा हो रही है उस साइड अपना पैर खोल दो और ठेल दो, क्योंकि ये भारी होते हैं, दम लगाएंगे तो आप इतना भी ले जा सकते हैं इसको और भी सीधा कर सकते हैं। हाथ छूट गया था, आप आगे जाने वाले तो ब्रेक पूरा छोड़ देना है। अच्छा भी। तो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो हेलमेट और पूरा सेफ्टी के साथ करें। ये लोग बिल्कुल देखो, पहली बात तो मैं हूँ तो मैं ज्यादा स्पीड में करने नहीं दूंगा, मैं एक नॉर्मली स्पीड में करने दूंगा, ज्यादा स्पीड में करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड में नहीं करने दूंगा इन लोगों को। तो अभी ये ट्राई कर रहे हैं हल्का हल्का, हाँ पैर को चिपका के रखना और हाथ जो है ये है ना, ये
इनको फोल्ड मत होने देना, सीधा रखना है बिल्कुल, और एक मोमेंटम क्रिएट करना, बैक एरिया है, हिप है, उसको अप करना है हल्का। तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब ऐसे फॉल नहीं होंगे कि हाथ पैर टूट जाए, फिर छिल छा जाए, नॉर्मली है, इसलिए मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूं। चेस्ट को आगे मत आने दो, जो चेस्ट है ना, हाँ जो चेस्ट है इसको आगे मत आने दो, चेस्ट को पूरा पीछे रखो जितना झेल सको। हाँ, थाई चिपका के अप करना है हल्का सा मोशन के साथ, होता है मोमेंटम, होता ना मोमेंटम क्रिएट करना है, क्योंकि हर चीज में ना साइंस लगती है ब्रो। ये हाँ हाँ खिसक गई, दबा के नहीं रखना, दबाते चले जाओगे तो खिसक गई, एक मोमेंटम के बाद ही लगानी है और रिलीज कर देना। यहाँ पे ट्राई करना ब्रो, ताकि वीडियो में आप वहीं रुक जा रहे थे। ये उठी 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 कैसा सकती है, हाँ इस दफे इसकी ज्यादा उठी थी, सिर्फ ब्रेक मारने से नहीं उठती, सिर्फ ब्रेक मारने से उठ ही नहीं सकती गाड़ी, सिर्फ हाँ पूरा फोकस रहेगा, मोमेंटम क्रिएट करना पूरा फोकस रहेगा, थाई को चिपका के अप करना है। वो ये चाहिए, यही प्रेशर चाहिए, खतरनाक उठी थी यार, दबा के रखोगे पलट आएगी, तो ब्रेक रिलीज भी करना है। अब से कच्चा उठा था, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, तो बस ऐसे ही आप लोगों को बस करो भाई, बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे कि देखा टेक्निक, वो भी ट्राई कर रहा, दोनों ट्राई कर रहे हैं, कभी कभी फंस जा रही है, कभी कभी नहीं फंस। तो बस यही था आज का वीडियो, हाउ टू डू स्टॉपिंग, तो आप लोगों ने देखा होगा और सीखने को कुछ मिला होगा। तो अगर भाई साहब नए हैं अगर मेरे चैनल पे, नई ऑडियंस देख रही है, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्द 100K 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो बस कर ही दो, और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है इस चैनल पे, तो सपोर्ट करो यार। एक अपना यूपी के बांदा जिले से कोई एक बंदा उठ के आगे आ रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट करो उसको और आगे पहुंचाओ। तो बस ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, रात में वीडियो पोस्ट होती है तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं।